दोनों सूट निकाल लिए अपने, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला पहनूं है या ये वाला पहनूं। अब मैं बताओ कौन सा पहनूं, ये वाला? हाँ। मैमा कह रही है भाभी आप ये वाला पहन लें अच्छा लगेगा, तो मैं यही वाला आज पहन लेती जुम्मे को, नेक्स्ट जुम्मे वाले नेक्स्ट जुम्मे को ये पहन लूँ। सही है, बस अब मैं शॉवर लेने के लिए जाऊँगी। यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, शॉवर लेकर आ गई थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। आप सबको भी मेरी तरफ से रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक इस बरकत महीने के सदके हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अब मैं नीचे जाऊँगी, देखते नीचे क्या हो रहा है, उसके बाद अफ्तार की तैयारी करेंगे। मैं रेडी हो गई हूँ और नीचे जा रही हूँ। मैंने आज ये वाला सूट पहना है जो आप लोगों को बताया था। मैं आ गई हूँ और यो मेमा बैठी हुई है। मेमा क्या कर रही है? स्कूल का याद कर रही है। भाभी हैं, दिखाएं कपड़े अपने। आज आपने ग्रीन पहना, मैंने पर्पल। हाँ, मैं शॉप करके बनाया था, पहना आपको बनाएगा। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। जैफिका जैफिया यहाँ पर क्या कर रही है देखते हैं। नमाज कौन पढ़ेगा? जैफी भूत अम्मी पापा के लिए नाश्ता बना रही है और जैफी टाइम पे आएंगे। बच्चे रहा बच्चे रहा सब देख लेंगे। अच्छा अच्छा मैंने अपने जल्दी क्यों नहीं आ रही है बता। चलो वो हम गए थे, मैंने कहा अपने मामा के घर, तेरा मैं रोज़ाना आऊँगा। मैंने कहा पे पाँच थे, एक छोटे से कितने छोटे बताऊँ, जैसे कि ये कट रहा है क्या? खरबूजा कट रहा है, खरबूजा कट रहा है चाट के लिए। बैठी को भेज दे, चली जाएगी फौरन। आप क्या आलू कट गई, सालन की प्याज कट गई है, छोले की प्याज है, ये चिप्स है जो कि ये खाती है बहुत शौक से, और इनको कुछ नहीं खाना होता, सिर्फ चिप्स खाने होते। एक काम कर, फिर नमाजी पढ़ नमाज। यो मेमा बना रही है यहाँ पर शर्बत। बस दोनों लड़ लो। अभी छोलों के लिए टमाटर काट रही हैं। सलाम अलैकुम। किसने बना के रखी थी मैंने? अरे वो मेरे दोस्त है, इसमें दही वाले का है। रमजान आ गए, धनबाद हमारे। मम्मी बना रही वो भी बोल, अदरक लहसुन लाओ, अदरक लाओ लाओ ना बोलो, मुझे इसको मैम से बोलो ना मैम, अदरक लहसुन ला के दे देना। स्टार्ट पे ना नहीं हो जाएंगे वो, ये कौन सा काम होता है देख रहा क्या बोल रहा है? अरे भैया अभी नहीं डाला, पालक गोभी गोश्त बना रही हूँ। अब अदरक लहसुन डलेगा, आज फिर आज अभी हाँ ना, उसको मिला ले, फिर ऊपर नीचे गाढ़ा हो जाता है, फिर उसका फिर जो ना वो पानी पानी नीचे रह जाता है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा उसके लिए भी टोकरी निकाल के रखते हैं। चलेगा ना
हसन भाई है ना, ले जा। आप क्यों आए? नहीं बदतमीजी कर रहे हो तुम। ये डल गया गोश्त जी। पापड़ी लेके आए? हाँ बोलिए। ये हम लोग परेशान हो जाए क्यों, मतलब क्या सोच भाई आए हुए? पिसावा दुनिया है ना ये। लाल मिर्च पाउडर जा रही थी सारी मिर्च भी तुम्हारे दो हिस्सों में हो जाएगा ना। अच्छा इसकी वजह से डाला ना मैंने, आधा उधर आधा इधर जी। क्या कह रहे हैं बर्थडे शॉप और भेज उनको दिया। दे रही मेरी बेटी, दे रही मेरा बच्चा, रुक जाए एक बार। अरे फायदा होगा गुस्सा करने से, अपना खून जलाना। पीछे एक नंबर अगर बोल रही तो बहुत दूर है वहाँ पर, एक नंबर उस साइड जहाँ पर अगर जैसे बलून्स वगैरह लेकर आ रहा है ना, तो बाबर मार्केट की जो वाली दुकान है ना जहाँ से लोग सामान लेकर आते हैं वो भी खुली हुई होती है। अलग कट गई है, वो भी काट रही हैं अब। होना ना पालक गोभी बनेगा और गोभी गोश्त। गोभी गोश्त बनेगा बताओ हमारे और भाभी के लिए? पालक गोश्त बनेगा मेरे और भाभी के लिए, और गोभी गोश्त सभी खाएंगे है ना। तो पहले रोटी की भाभी और जैकी चले गए सामान लेने के लिए। उमेमा और मैं घर में, और पापा हैं। उमेमा आप मुझे फ्रूट चाट ला के दे दो फ्रिज में से, मैं उसमें बाकी फ्रूट्स भी डाल दूँ। वर्षी भाभी आप फ्रूट काट रही हैं, फिर इसके बाद इसमें क्रीम मिलाएंगे। अब कटेंगे केले। सुनाल में करें मेमा कर रही है मिक्स। लोग आ गए हैं अब पकोड़े बन रहे हैं, पकोड़ों की तैयारी हो रही है। अब ये जो पकोड़े हैं ये जाएंगे शॉप पर है ना मम्मी। अब ये पकोड़े जाएंगे शॉप पे। अब शॉप पे तो ऐसे जाते हैं, इतने दिनों से जा नहीं रहे थे, मगर अब शॉप पे जाएंगे पकोड़े। हम लोग के घर के बनेंगे पहले मां के लिए बना रहे हैं। सही नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तो अब हम पकौड़े बन चुके हैं, और ये पकौड़े इस प्लेट में निकलेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ दुकान से पकौड़े जाएंगे आज ही बोल देना दो के लिए, जैसे बना हम रोजाना से नहीं कल से बना लेंगे। ये नहीं बोला ये हमारे लिए, मैंने अपने लिए बनाई थी ना मैंने, फिर भाई मैंने क्या डाले। मैं सबकी चाट निकाल लिए प्यालियों में। मैं ये ले आऊं प्यास हां यार। ओए जी ले लिया बना लो, चलो चलो किसी और की ऐसा खोलो ना ऐसा खोलो समझते भाई रे मेरे पापड़ी भी ले जाओ। कर लिए जोसेफ यहाँ लेट गई है, लोगों को रोजे में चक्कर आते हैं, इनको अफ्तार के बाद चक्कर आ रहा है।
बस बस वहाँ भाभी बर्तन धो रही हैं। चाय चढ़ा दी थी मम्मी, चाय चढ़ा के चलेंगे। पहले उसेफी नमाज पढ़ने आती है। हो गया है गोभी गोश्त और ये पालक गोश्त अम्मी ने बना दिया। रात में पहली दफा आटा गूंथते हुए, देखते हैं अब कैसा आटा गूंथती है ये। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल देख लीजिए आटा ऐसे गूंथते है या नहीं। यार अबे मैं तो दिखा रही हूँ आटा कैसे गूंथ रही हूँ, ये देखो देखते हैं कैसे गूंथती है आटा। सही गूंथोगे इंशाल्लाह। मैं आटा लगा के छोड़ देता हूँ। आटे में मुझे पास किया है आपने या फेल किया है? नाम दू देख लिया मेरी माँ ने कैसे प्यार किया है। ये नाम दिखा रहा है, चाहिए तो सही गुंदा है ना, थोड़ा ठहर जाएगा तो सही जाएगा। पास कर दिया हूँ मैं माँ अम्मी ने जी। अपना वाला जो आटा है ना इसके अंदर आप नमक डाल के जैसे लगा के आप थोड़ी देर छोड़ दें, अगर 10 चलो बस सही, लेकिन 10-15 मिनट अगर आप छोड़ देंगे और जब आप मुठियाँ लगाएंगी ना इससे भी ज़्यादा बेहतरीन आटा बनेगा। बस थोड़ा सा बस ये